ओके जी, अब हमारे पास नेक्स्ट फेज प्रमोशन का आ गया है कि हमने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर दी है और अब इस एक्टिव डायरेक्टरी को प्रमोट करने के लिए यानी प्रॉपर वे में ऑपरेशनल करने के लिए टूल आ गया है आपके पास। अब आपने इस टूल को प्रॉपर वे में ऑपरेशनल करना है। सॉरी। ओके, सो उसको ऑपरेशनल करने के लिए हमारी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। उन बेसिक रिक्वायरमेंट्स को हमने फुलफिल करना है और उन कॉन्फ़िगरेशन की जो हायरार्की है या जो एक्टिव डायरेक्टरी का आर्किटेक्चर है उसको हमें अंडरस्टैंड करना है। अब ये कहता है सेलेक्ट दी डिप्लॉयमेंट ऑपरेशन के डिप्लॉयमेंट ऑपरेशन आपका क्या है। एड अ न्यू डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, के पहले से कोई डोमेन एनवायरनमेंट चल रहा था उसमें आप इस डोमेन को ऐड करना चाहते हैं, या सेकेंड ऑप्शन क्या है, एड अ न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। अब इन टर्म्स से आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इन सारी टर्म्स के को हमने इन डिटेल स्टडी करना है इन कमिंग फ्यू मिनट्स, सो आपको उसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए है। लेकिन राइट नाउ आप अंडरस्टैंड कर लें कि ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी क्या है। आने वाले चंद मिनट्स में हमने फॉरेस्ट को, ट्री को, डोमेन को, इनको प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड कर लेना है। और तीसरा ऑप्शन वो क्या कह रहा है, एड अ न्यू फॉरेस्ट, ठीक है ना। मैंने कहा जी बिल्कुल, हमें एक नया जंगल आबाद करना है, एक नया, क्योंकि हमारे पास इससे पहले डोमेन एनवायरमेंट एग्जिस्ट नहीं करता था, सो लिहाजा हमने यहाँ पर उसको क्या करना है, कॉन्फिगर करना है। वो कहता है स्पेसिफाई द इंफॉर्मेशन फॉर दिस ऑपरेशन, क्या कहता है, रूट डोमेन नेम। मैंने कहा रूट डोमेन नेम हमारे पास मौजूद है और हम प्रीवियस एग्जांपल्स के अंदर इसको देख चुके हैं, trn.com यानी training.com के नाम से हमने एक डोमेन कॉन्फ़िगर करना है। हमने उससे कहा जी ये हमारा मेन डोमेन नेम है, ये कुछ भी आपकी कंपनी का नाम प्लस जिस पर्पस के लिए वो यूटिलाइज हो रहा है वो आपने कॉन्फ़िगर कर देना है। यानी अगर आप एनजीओ हैं तो जो भी आपकी एनजीओ का नाम है उसके साथ डॉट क्या लग जाएगा, ORG लग जाएगा, ठीक है जी। और अगर आप कोई ISP हैं, इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे, तो लास्ट में डॉट नेट लग जाएगा। अगर कोई कमर्शियल बिजनेस है आपका तो डॉट कॉम लग जाएगा। अगर आप कंट्री वाइज अपने डोमेन को मेंशन करवाना चाहते हैं तो डॉट PK है, डॉट IN है, डॉट AU है, आप उस हिसाब से भी उसको कॉन्फिगर कर सकते हैं। लेकिन ये स्ट्रक्चर DNS के अंदर डिफाइन है, DNS के अंदर जाकर हमने इसकी डिटेल को देखना है। हमने नेक्स्ट किया और नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास ये कहता है कि जी अब क्या होने जा रहा है। वो कहता है अब आप बताएं कि डोमेन नेम सिस्टम इसी उसको रखना है। हमने कहा जी बिल्कुल, क्योंकि प्रीवियसली हम सेलेक्ट करके आ चुके हैं। फिर नीचे वो कह रहे हैं ग्लोबल कैटलॉग, एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो कि ये अपने पास कॉन्फ़िगर करेगा वो हमारे पास कहलाता है ग्लोबल कैटलॉग। ग्लोबल कैटलॉग क्या है इसकी डिटेल हमने अभी चंद सेकंड्स में देखनी है। इस वक्त मैं चाह रहा हूँ कि आप एक्टिव डायरेक्टरी की इंस्टॉलेशन को क्या करें, स्मूथ वे में जाने दें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन कंपोनेंट्स को आपने लाजमी याद रखना है कि ग्लोबल कैटलॉग क्या था, ये फॉरेस्ट क्या था, ये ट्रीज क्या थी। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन वो कहता है कि जी रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। हमने कहा नहीं जी बिल्कुल, हमारा पहला डोमेन कंट्रोलर है, हम इसको रीड ओनली नहीं रखेंगे, क्योंकि रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर वो डोमेन कंट्रोलर होता है जिस पर आप मजीद कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते हैं। तो हमने कहा कि रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर नहीं हमारे पास। उसके बाद वो कहता है टाइप द डायरेक्टरी सर्विसेज रीस्टोर मोड पासवर्ड, कि अगर कभी आपको रिकवरी करनी पड़ जाए, डिजास्टर रिकवरी करनी पड़ जाए, तो वहां के लिए आप पासवर्ड भी डिफाइन कर दें ताकि आपकी मर्जी के बगैर और आपके पासवर्ड के बगैर कोई आपके डोमेन कंट्रोलर को दोबारा से रीस्टोर ना कर सके या उस पर किसी भी किस्म के बैकअप के ऑप्शन परफॉर्म ना कर सके, ठीक है। हमने कहा जी नेक्स्ट करते हैं इसको लेके, ठीक है ना। वो कहते हैं अ डेलीगेशन फॉर दिस DNS सर्वर कैन नॉट बी क्रिएटेड बिकॉज द ऑथोरिटेटिव पेरेंट जोन कैन नॉट बी फाउंड। सो हमने कहा ठीक है बिल्कुल नहीं है, सो आप क्या कर दें, DNS की डेलीगेशन यहाँ पर क्रिएट कर दें, ठीक है जी। अच्छा नहीं क्लिक करने दे रहा, तो हम आगे मूव करते हैं। मेरा ख्याल है कि इसको बाय टाइम इंस्टॉल कर देगा अपने पास।
ठीक है जी, ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस इनिशिएट हुआ, ठीक है जी। ये हमें कहते हैं कि जी नेट बायोस ने, ये पुराना प्रोटोकॉल था, अब यूटिलाइज नहीं होता, बट स्टिल हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो माइक्रोसॉफ्ट का है उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो हम इसके साथ ही कंटिन्यू करते हैं। ये हमें पाथ बता रहा है, क्योंकि जब एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल्ड होती है तो एक्टिव डायरेक्टरी एक फाइल बनाती है, ntds.dit की फाइल यानी .did की फाइल बनाती है, डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन जिसके अंदर सारी की सारी मौजूद होती है, और इसके साथ साथ एक फोल्डर भी क्रिएट करती है जो कि हमारे पास कहलाता है syswall का फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर सारी की सारी पॉलिसीज रखी हुई होती है। So, हमने क्लिक किया और नेक्स्ट किया। वो कहते हैं जी ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है, डीएनएस सर्वर आप सेलेक्ट कर चुके हैं, ग्लोबल कैटलॉग आप सेलेक्ट कर चुके हैं, और फंक्शंस लेवल वगैरह सारी की सारी चीजें डिफाइन है। ये देखिएगा सारी समरी जो आपने सेलेक्ट की थी वो उसने आपको दिखा दिया। हमने कहा जी क्या करना है, तो नेक्स्ट किया हमने, और नेक्स्ट के बाद जो है ये प्रोसेस अगेन जो प्रमोशन का है, पहले उसने एक्टिव डायरेक्टरी को कॉल किया, अपने पास लेकर आया, और अब ये प्रमोशन का फेज हमारे पास चल पड़ा है। वो कहते हैं ऑल प्रीरिक्विजिट्स चेक्स पास्ड सक्सेसफुली, ठीक है ना, सारे जो चेक्स थे वो सक्सेसफुली पास हो गए हैं, यानी आप पास हो गए हैं, यू आर एलिजिबल टू इंस्टॉल द एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, ये कुछ वो प्रीकॉशंस आपको बता रहे कि जी ये प्रॉब्लम्स आपके पास आ सकती हैं, तो लिहाजा इनको लेकर आपने जो है ना कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है, बिकॉज ये प्रीवियस एनटी के ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लिहाजा क्लिक ऑन द इंस्टॉलेशन पेज। ठीक है, और ये कुछ प्रोग्रेस चलाएगा, और चलाने के बाद देखें चेकिंग इफ ग्रुप पॉलिसी कंसोल नीड्स टू बी इंस्टॉल्ड। तो डेफिनेटली जिन जिन कंपोनेंट्स की जरूरत होगी वो उन उन कंपोनेंट्स को इंस्टॉल्ड करेगा। ये देखिएगा क्रिएटिंग डायरेक्टरी पार्टीशंस, एक्टिव डायरेक्टरी के पार्टीशंस बना रहा है ये कॉन्फ़िगरेशन के, और जो आपने डोमेन नेम सेलेक्ट किया था ये देखें, ये देखिएगा सेटिंग द एलएसए पॉलिसी इंटीग्रेशन, सेटिंग द कंप्यूटर डीएनएस कंप्यूटर नेम रूट टू trn.com। ठीक है, ये बेसिक सेटिंग्स, ये ऑथेंटिकेशन के प्रोटोकॉल्स जिनको हमने आने वाले टाइम में डिस्कस करना है। बहुत सारे टॉपिक्स हमारे पास रिमेनिंग है। द थिंग इज दैट एक प्रोसेस फ्लो में चला जाए, देन उसके कंपोनेंट्स को हमने बाय टाइम डिस्कस कर लेना है, क्योंकि ओवरऑल पूरी सर्टिफिकेशन है, तो लिहाजा सर्टिफिकेशन के हर ऑब्जेक्ट को हमने डिटेल स्टडी करना है। ये अब देखे कॉन्फिगरिंग द डीएनएस सर्वर द बैकबोन ऑफ द एक्टिव डायरेक्टरी द बैकबोन ऑफ एनी नेटवर्क। ठीक है, ये देखे वो कहता है एक्टिव डायरेक्टरी की इंस्टॉलेशन, दिस सर्वर वाज सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड एज ए डोमेन कंट्रोलर। वो कहते हैं सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड हो गया है। मैंने कहा थैंक यू सो मच, हमने उसको क्या कर दिया क्लोज, ये रीस्टार्ट की तरफ चला गया है। अभी रीस्टार्ट होकर आता है तो फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन को हमने मजीद देखना